तो चलो भाई, अभी मेरा साइकिल के साथ मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। अभी ये रहा राम मंदिर, अभी राम मंदिर से मैं बाहर आ चुका हूँ। तो अभी ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अभी टाइम भी हो चुका है, 6 बज चुका है, तो अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ गया। तो चलो भाई, हम यहाँ से अभी निकल जाते हैं। तो अभी देख रहे हो, मार्केट में एक भी दुकान भाई नहीं खुला है। तो अभी पहले थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद देखें क्या खाएँगे। जो आगे में कोई मार्केट में देख के कुछ खाना खा लेंगे। अभी मेरे को जाना पड़ गया, तो यहाँ तक कोई एक भी दुकान खुला नहीं, तो यहाँ रुके कोई फ़ायदा नहीं है मेरा। चलो भाई, हम चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। बहुत बड़ा घाटी है भाई, देखो बहुत स्पीड से साइकिल मेरा चल रहा है। अभी कोई हॉर्न्स वगैरह आएगा तो मैं रोक नहीं सकता है, गिर जाऊंगा फाइनली। अभी मैं ऐसी जगह पे फंस गया हूँ कि मेरा दोनों नेटवर्क काम नहीं कर रहा है भाई। दोनों कहाँ गायब है मेरे को पता नहीं, उनके साथ मैं भी गायब हो चुका हूँ। अभी देख रहा हूँ ना कितना बड़ा, बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन मेरा एक भी टावर खुंटी नहीं है। पूरा का पूरा दोनों को नेटवर्क बंद है भाई, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं चला जाऊँगा इसका डर है, लेकिन इसके लिए मैं अभी तक चल रहा हूँ क्योंकि सिंगल रोड है। कहीं पर डबल रोड मिल जाएगा तो फंस जाऊंगा मैं। तो चलो भाई, जब तक सिंगल है तब तक जाएंगे, और जहाँ पे डबल रोड मिलेगा तो वहीं पे किसी को पूछना पड़ेगा, नहीं तो वहीं पे नेटवर्क आ जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन और एक बात, इतना बड़ा जंगल में नेटवर्क नहीं है, और बहुत बड़ा बड़ा घाटी भी आ रहा है भाई, क्या करूँ कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो भाई, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेंगे जब तक सिंगल रोड है। चलो भाई, अभी मैं बहुत बड़ा जंगल पार कर गया हूँ भाई, इससे भी ज़्यादा बड़ा जंगल पार करके आया था मैं। लेकिन इसमें कुछ खासियत है भाई, पता है, इस जंगल में जंगल जितना बड़ा नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा घाटी है भाई। सच बताऊँ भाई, घाटी से ऊपर से नीचे गिरने के लिए बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत स्पीड से मेरा साइकिल गिरता था, और जब नीचे से ऊपर जाता हूँ ना भाई, एकदम ख़त्म भाई, बात ख़त्म हो जाता था भाई, फिर साइकिल से उतर के पैदल में जाना पड़ता था। लेकिन क्या करूं भाई, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से मेरा ये जंगल पार हो गया। तो चलो भाई, अभी मैं इतना बड़ा जंगल से आ रहा था, तो बीच में दोनों भाई के साथ मेरा मुलाकात हो गया। तो इन्होंने लगभग 20 किलोमीटर तक मेरे को बाइक से खींच कर लेके आए हैं। मेरे को ना ही कुछ खाना मिला था, ना ही कुछ दुकान मिला था, तो भाई इनकी वजह से मेरे को बहुत बड़ा हेल्प मिला है। तो भाई चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो भाई, भाई मिलेंगे भाई, थैंक यू भाई। अभी मैं खरसुआ गांव पे आके पहुंच चुका हूं। तो अभी रात भी बहुत रात हो गया है, अभी मैं बहुत लेट में वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पे मैं पहुंचने के बाद यहां पे बोरिंग काम चल रहा था, तो बहुत साउंड हो रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मैं खाना भी खा लिया, अभी मेरे को सुना है बहुत रेस्ट करना है भाई, आज कुछ ज़्यादा ही साइकिल चल रहा था। तो भाई यहां पे मैं पहुंचने के बाद इतना प्यार मेरे को मिला भाई, क्या बताऊँ। मैं खरसुआ गांव का छौके पहुंचने के बाद बहुत लोग मेरे पास आ गए, और बहुत भीड़ भी बना लिया उन्होंने भाई, मेरे को बहुत खुशी लगा मेरे को। अभी 3 दिन हो गया मेरे को घर से निकले हुए, तो इतना प्यार कहीं पे नहीं मिला था मेरे को, आज इतना प्यार मिल गया भाई। मेरा मन में ऐसा बात आया कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर बनने के बाद कैसा प्यार मिलेगा, अभी इतना प्यार मिल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसा मेरे को सपोर्ट करते रहो, और मेरा हौसला को बढ़ाओ, और मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा प्यार भी जता दो। चलो भाई, अभी मैं खाना खा लिया, मेरा काम धंधा सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी सोना भाई, और कल सुबह भी फिर से उठ के जाना है। चलो भाई, मैं अभी सोता हूँ। जय श्री महाकाल।